لا مو بروها بروها شنو بروها بروها نص كيلو اي نص كيلو نص كيلو ايه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉफ़ी, मतलब कि कावा, ब्लैक कॉफ़ी। तो इसके लिए मैंने ये ग्रेन्स ले लिए, इसे कॉफ़ी के बीन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही स्पेशल तैयार करवाई है। इसके ये बीन्स हैं और इनसे मैंने ये ग्राइंड करवाई है और बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए फ्रेंच कॉफ़ी। तो इसके लिए मैंने ये ली है अलामीद फ्रेंच कॉफ़ी, जो कि मैंने खुद से पिसवाई है। स्वीटनर, और इसको मैं ऐड करूँगी, ये पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, इसमें ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको मीठा चाहिए। और इसमें डालूंगी मैं दो टेबलस्पून, जितनी आपने स्ट्रॉन्ग पीनी है। इसमें मैं डालूंगी, इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता, गोल्डन ब्राउन सा होता है, तो जितनी आपने ठीक रखनी है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ब्लैक कॉफ़ी को। कितनी फ्रेश खुशबू आ रही है इसकी। अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, थोड़ा सा उबालूंगी ना, थोड़ा सा दो तीन बॉयल आने दूंगी। मैं दो मिनट खा लेते इसके ऊपर रखना पूरी इस। चले जी, कॉफ़ी रेडी हो गई है, तो अब मैं डालूंगी इसको। मेरी बीन्स तो नहीं गिरी हुई, और इसको मैं करूंगी कवर, थोड़ी सी और डाल दूंगी। एक बहुत मजे की फ्रेंच कॉफी रेडी हुई है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी, बहुत आपको टेस्ट आएगा इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।